मैं सही को सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहता हूं। अगर वो बड़ी होती तो अपना फैसला खुद ले लेती। उसको पता होता कि उसे किस पेरेंट के पास जाना और किसके पास नहीं। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती। अगर वो बड़ी होती तो उसे पता होता कि उसके पापा उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर वो बड़ी होती तो उसे पता होता कि उसके पापा उसे कितना प्यार करते हैं। तुम यहां खड़ी होती ना तुम्हारी बकवास मुझे ये सुननी पड़ती, ना तुम आज ये ऑफिस में दरवाजा खोल के मेरे एम्प्लॉयज के सामने तमाशा करने की जरूरत करती। मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी सड़ी हुई शक्ल देखने का, समझे आप। और एक और बात, और अगर सही बड़ी होती, खुद फैसला लेती, कोर्ट में जाके ये कहती कि उसे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं, तब भी वो आपको नहीं चुनती। किसे चुनती? तुम्हें चुनती? तुम्हें क्या लगता है सही के बारे में? तुम बहुत कुछ जानती हो। एक तुम ही हो जिसे सही की बहुत ज्यादा फिक्र है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बड़ी होती तो अपने माँ बाप को छोड़ के, मुझे और आशिका को छोड़ के तुम्हें चुनती, ऐसा लगता है तुम्हें? सही की कस्टडी भी अगर आपको मिल जाए ना, तब भी वो खुश नहीं रहेगी। जैसे आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई थी ना, सही भी एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। और इसमें भी तकलीफ उसे ही होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसे तकलीफ। पता है क्यों? क्योंकि आपके साथ ना कभी कोई नहीं रह सकता, कोई आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कमाल, मुझ पर बड़ी रिसर्च कर रही हो, मुझ पर पीएचडी करके डॉक्टर मत बन जाना। मुझे छोड़ने के लिए ही सही लोग मेरे साथ कम से कम रहते तो हैं। मैं देखता हूं तो लगता है कि तुम तो उस लायक भी नहीं हो। गलती लोगों की नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। फिर से कही, क्या कहा आपने? सुनने में कमजोरी है, नहीं सुन पा रही हूँ। अपनी बुराई सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ लोग रहना नहीं चाहते। नाम बताऊं? विक्रम और शशांक। याद आया कुछ? सब जानता हूं मैं, क्यों छोड़कर गए थे तुम? क्यों बताइए? तेरे तो सुन नहीं पाओगी, जाओ। बताइए क्यों? क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम कुछ गलत करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे साथ गलत होना चाहिए, इसी काबिल हो तुम। मैं कौन हूं और किस काबिल? इसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए मुझे, समझे? दोबारा अगर मेरा नाम खराब करने की कोशिश की ना, तो आई मेक श्योर आप जेल जाए और आसानी से बाहर ना आ पाए। फिर बताइएगा मुझे कि कितनी लड़कियां आपसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। सही की कस्टडी भी अगर आपको मिल जाए ना, तब भी वो खुश नहीं रहेगी। जैसे आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई थी ना, सही भी एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आपके साथ ना कभी कोई नहीं रह सकता, कोई आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। Idiot. Star Plus के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू Star Plus YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।